ऐसा नहीं कर सकता। तू जानता है रिया मुझे कितना चाहती है, तू मुझसे डरता है ना? तू मुझसे डरता है ना? जरूर डरता होगा। राहुल तुम अपने ये स्टंट सबके साथ ना ही करो तो बेहतर है। सब लड़कियां प्रियंका खन्ना नहीं होती। बात प्रियंका की नहीं, बात उन लोगों की है जिनकी लाइफ में एडवेंचर नहीं होता। तुम्हारे एडवेंचर की भी हद है, पता नहीं तुम्हारा एडवेंचर क्या रंग लाएगा। क्या मजाक है, क्या मजा है इसमें? दूसरों को घबरा कर, उनको चौंका कर, उन पर हंसना। पता नहीं तुम लोगों को क्या नयापन चाहिए। तुम लोगों को संगीत में नयापन चाहिए, कपड़ों में नयापन चाहिए। ये नयापन की दौड़ खत्म कहाँ होगी? ड्रग्स में आंटी, ड्रग्स में। तू चुप रह। हमारे जमाने में ये सब ऐसा नहीं होता था। तो फिर कुत्ते के पूंछ पे पता क्या कौन मारते थे? कुत्ता घबराता नहीं था क्या? दुनिया का दस्तूर है आंटी, जब कोई टेंस होता है तो हमें एक किस्म का प्लेजर मिलता है। और अमेरिका में तो एक कॉलेज में किसिंग कंपटीशन होता है आंटी। हमेशा तू अमेरिका की बात करता रहता है, कभी अमेरिका गया भी है? तू मेरे पे भी भड़कता है। रिया के दुखी होने से मैं भी अपसेट हूँ। उसकी शक्ल देखी थी, कितनी घबराई हुई थी वो। क्या सोचेगी वो तुम्हारे बारे में और क्या सोचेगी वो इस जगह के बारे में? आंटी बी ए स्पोर्ट कॉलेज में नहीं आई है, थोड़ी तो खिंचाई होने दो। रैगिंग तो इससे भी बुरी होगी। हम रैगिंग होने देंगे तब ना। क्या बात है मानव, बड़ी सिंपैथी है उस लड़की से। मानव तुझे उसे छोड़ने जाना चाहिए था। वो जरूर आज अपने डैडी से बात करेगी। उसके डैडी गुजर चुके हैं। यहाँ जाने को कहा था, बस इतनी सी बात पर कितना नाटक दिखा रही है। तुम लोग एक नाटक कंपनी खोल लो तो बेहतर है। उसके लिए तय करने वाले आप लोग कौन? वो बड़ी हो चुकी है मामा, बड़ी। हम उसको बड़ा करने वाले होते हैं। तो इसीलिए उसकी जिंदगी भी आप लोग जिएंगे? नहीं, सिर्फ तय करने में उसकी मदद करेंगे, क्योंकि हमने तुम दोनों को बड़ा किया है, पाला है। तो एहसान किया आपने हमें पैदा कर, हमने अपनी इच्छा तो नहीं जाहिर की थी। राहुल बिहेव योरसेल्फ। सिन्हा को फोन आया तो कहना मैं ऑफिस में हूं। व्हाट सेल्फ, वही तो खत्म करना चाहते हैं आप लोग हमेशा। तुम लोगों को तो छूट दे दो बस, जितनी छूट दे दो उतना ही माँ बाप को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। छूट? कैसी छूट? जब पार्टी पे जाना चाहो तो हमें दोस्तों के घर भेज दो। आपने मजे के लिए पैदा किया हमें, आपने मम्मी ना भी पैदा कर सकते थे। तुम एक्सीडेंट से तो पैदा हुए नहीं। एग्जैक्टली मॉम, एग्जैक्टली। आपने हमें पैदा किया अपनी मर्जी से। गुड़िया चाहिए थी ना खेलने के लिए, जब मन चाहा खेल लिया, जब मन भर गया परे रख दिया। यू ट्रीट अस लाइक ह्यूमन डॉल्स मामा, ह्यूमन डॉल्स। राहुल यू की। पर वो लोग सोचते हैं वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं। भला मैं क्यों रोज सज धज कर अपना जुलूस निकलवाऊं? तुझे उनकी मर्जी से शादी नहीं करनी तो मत कर। No one is forcing you, Nikki. No one forces, राहुल। लेकिन आप अकेले रह जाते हैं हमेशा। अगर इस पार्टी में ना जाना चाहो मत जाओ, लेकिन सारा वक्त आया के साथ गुजारो। इसी स्कूल में पढ़ो, क्योंकि सारे अमीरों के बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं। टाइट्स पहनो, क्योंकि टाइट्स का फैशन है। वरना सुनने में आएगा I don't believe she's my daughter. मैं भी कह सकती हूँ मुझे यकीन नहीं आता तुम मेरी माँ हो। I don't believe you're my mother. Stop torturing yourself, Nikki. Nikki. राहुल मेरा तुम्हारे सवाल कोई नहीं है। प्लीज कोशिश करना कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। मैं हूँ Nikki. कंपनी में एक पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर चाहिए। मामा आप अप्लाई कर दे। वर्किंग आवर्स 10 से 8 तक के हैं। नो मामा,
आते ही 10 बज जाएंगे। ओ मामा आगे देखो। नहीं तो एक अच्छा जॉब वाशी में है। पुणे में नहीं मामा। बांद्रा में है। अच्छा डिपार्टमेंट स्टोर है। लुकिंग फॉर एन ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग एंथुसियास्ट। डेडिकेटेड नहीं। अरे इतना दिमाग करके सैलरी कितनी देंगे? 1500। डोंट बी क्रेजी मामा, सिर्फ हार्ड वर्किंग के लिए इतने पे करना चाहिए। उन्हें तो ऑनेस्ट और एंथुसियास्ट भी चाहिए। ओफो ठीक है, मैं अपने बारे में खुद तय कर लूंगी। ओके मॉम सी यू पुणे। जरूर चिट्ठी लिखना। पुणे नहीं वाशी। अच्छा मेरी काशी। बच्चा क्या है तेरी राशि? माँ को भी मुंबई की हवा लग गई है, इंडिपेंडेंट होती जा रही है। आओ मेरे प्यारो। पता है रिया, मैं बस वेट कर रही थी मम्मी के जाने का। क्या हुआ? मैडम रिया को मानव दिल बहलाने के लिए कैफे ले गए। क्या हुआ मानव? नहीं यार, मानव तो एक बहुत अच्छा लड़का है। वो बैठा था एक डैंडी अमीर बाप का स्पॉइल्ड ब्रैट। उसने कुछ कहा? अरे बोलता क्या, वो मलिका रिया की तरफ ऐसे बढ़ने लगा जैसे उसे एक ही नजर में रिया से प्यार हो गया हो, और वो रिया के होंठ चूमे। व्हाट? और तुम वहां खड़ी खड़ी ये सब देखती रही? क्या करती रिचा, he was so handsome। लेकिन वहां मोहब्बत की दुश्मन एक आंटी रहती थी जिन्होंने एंट्री लेते ही तहलका मचा दिया। तू डर गई रिया? देख डर के कभी चुप मत होना, जो जितना डरेगा दुनिया उसे उतना ही डराएगी, समझी? But Richa, he was real handsome. मुझे किस करने आता तो मोरालिटी को बिल्कुल किनारे रखकर। तू चुप कर बदतमीज, और मम्मी को मत बताना, बेकार घबरा जाएंगी। जो भी बोल यार, there's a sense of adventure in that guy. क्या नाम था? हम उसे जानते थोड़ी हैं। राहुल। ओह मैडम को इतना बुरा लगा, इतना डर लगा, लेकिन नाम रख लिया। मुझे उस लड़के को देखकर होश नहीं उड़े थे, जो लोगों के बुलाने पर भी मुझे नाम नहीं सुनाई देता। उसने छुआ तुझे? अरे नहीं नहीं, बस इतने करीब आ गया था। रिया। जी मम्मी। फोन, मानव है। ये लो, मुझे तो अपने एग्जिस्टेंस पे शक हो गया है। इस शहर में तो बस रिया ही छाई हुई है। जोक्स अपार्ट, सब मजाक था ना, वो लड़का सीरियसली टीज तो नहीं कर रहा था? अगर कुछ सीरियस होता तो रिया से पहले मैं उसे दो जमा देती। लेकिन रिया तो इतनी नाजुक है। बना रखा है तुम लोगों ने। उसके एडमिशन का क्या हुआ? मम्मी कह रही थी कि बहुत रो रही थी। तो सबसे मानवीय लोग मदद करने पर तुले, चिंता किस बात की? मानव हमें कॉलेज के डीन के पास ले जाना चाहता है, कोई सलाह दे। मानव को किसी दिन घर बुलाओ रिया। भी तुम इसकी बातों में मत आओ। वो बात नहीं है रिया, देखो अगर भरोसा करने लायक है तो उस पर भरोसा करना चाहिए। नमक, मिर्ची, मिर्ची, विनेगर, नारियल पाउडर, ये रवा है। ओह सॉरी सर, नारियल पाउडर सर। परम पम पम टम, इतना काफी है, बस थोड़ी ही देर में हमारा मटन विद लव पोशन तैयार हो जाएगा। वाला ला 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 रम पम 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 ला 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 रम पम पम। सफाई से धोना। धोना? मैं क्यों? पिछले संडे तो मैंने धोए थे। हफ्ते के बीच में एक दिन मैंने धो दिए हैं। What nonsense! इधर आओ। ये देखो, 16 तारीख को तुमने धोए थे और 20 को। Excuse me, महीने के बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। 2 तारीख? नहीं, ये तो अखबार वाले का क्रॉस है। 3? Why green? मैंने कहा था वॉशिंग के लिए ब्लू कलर का इस्तेमाल करना। सामान लाने का भी ग्रीन और वॉशिंग का भी ग्रीन। वाह वाह, ताकि तुम मुझे खूब कंफ्यूज कर सको। मैं क्यों? डैडी आप भी। खैर मेरी बारी नहीं है। कैसे नहीं है, देखे 3 कोस जल गया। सब तुम्हारी वजह से, चुपचाप एप्रन पहनकर धोने चले जाते तो अब खाओ जला हुआ गोश्त। लो कोई और भी आ गया जला हुआ गोश्त खाने के लिए, संभालो।
ओ हेलो मानव। हेलो अंकल, ये रिया है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। गुड आफ्टरनून सर। हेलो सर, आई एम रितु। आओ कम इन कम इन। तुम लोग बैठो, मैं अभी हाथ धोकर आया। तुम लोग बैठो, मैं अपनी कुछ किताबें भूल गया था, वो ले लेता हूँ। ठीक है। खूबसूरत है। हाँ डैडी। सुनो मैं कैसे लग रहा हूँ? मतलब? मतलब तो बहुत खूबसूरत लड़कियां मुझे मिलने आई है। ओह डैडी, ब्रश करने की जरूरत तो नहीं है? ब्रश तो ठीक है, पहले मूछदाढ़ी तो ट्राई करो। तो बिल्कुल आउटडेटेड बात करता है। ग्रे हेयर आर इन डिमांड नाउडेज एंड गर्ल्स प्रेफर मेन विद सॉल्ट एंड पेपर हेयर। मानव का तो विकेट डाउन हो गया है। रितु, तुझे हर आदमी ऐसा लगता है? हर आदमी के साथ होता भी तो ऐसा ही है। और अब चिढ़ने से क्या होगा? तब मम्मी से क्यों नहीं बोला कि मानव के साथ अकेले जाना चाहती थी? Shut up. आओ बेटे। अंकल ये लोग शहर में नए आए। So what is the problem? Actually uncle, she had applied for psychology major and she could not get it. Oh I see. लेकिन बेटे, I hope you remember, I won't do anything illegal. Of course uncle. पर मैंने सोचा कि आपसे सलाह ले ली जाए कि आगे क्या स्टेप लें। ये तुम्हारा घर है, जब चाहो आओ। वैसे भी तुम इतनी प्यारी रिया को हमारे घर लेकर आए हो, I feel honored. लेकिन कोई तो रास्ता होगा सर। वो रास्ता मेरे पानी पीने के बाद निकाला जा सकता है। ओहो, मैं तो बिल्कुल भूल गया, तुमको पानी भी नहीं पूछा। रजत, रजत चाय बना के लाओ। हाँ बेटे, तो तुम्हारा परसेंटेज क्या है? पापा दूध नहीं है। पाउडर मिल्क से बना लो। पापा। रजत बेटा, वो है, मुझे मालूम है, नमकीन भी लाना। हाँ बेटे, तो साइकोलॉजी मेजर तो पॉसिबल नहीं है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, टेक साइकोलॉजी एज एन एंसिलरी सब्जेक्ट और अगले साल अच्छे नंबर लाकर उसे मेजर सब्जेक्ट बना लेना। बट सर, अप्लाई करने की लास्ट डेट तो निकल चुकी है। सर, इसका परसेंटेज भी काफी अच्छा है, सिर्फ 5% से रह गई। तुम खड़े क्यों हो, चाय नहीं बना रहे क्या? वो बस यूं ही। अब तुम पानी चढ़ाओ। चाय पत्ती कहाँ है? चीनी अलग से डालेंगे हम लोग। अरे सारे मोहल्ले की चाय बना रहे हो? साइड पे हो जाओ प्लीज, मैं कर लूंगी ना। ये लो, ऑफिस में दिखा देना। But I hope to see you with psychology major next year. I'll try my level best, sir. Don't just try, you should be there. Okay? Yes, sir. Chai. यहाँ रख तो। अरे रजत कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। मतलब यहाँ था। हमारे ग्रुप में सिर्फ ईटी का ही हार्ट अटैक होता है। कहाँ जा रही है? चल तो जा, आइसक्रीम खिला के लाता हूँ। कहाँ? जहाँ तू बोलेगी। पर मैं इसका क्या करूँ? तू और तेरी पूंछ। पर वैसे तू जा कहाँ रहा था? अचानक मुझे देखकर आइसक्रीम खिलाने चल पड़ा। तेरे ही घर जा रहा था, तेरे साथ कुछ बातें करनी है शिखा। तो तू आना घर में जल्दी से, मैं बाइक रख लेती हूँ, फिर चलते हैं। हाँ क्या हुआ राहुल? आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं। क्यों? उस लड़की को डरा कर अच्छा नहीं किया मैंने। मुझे मालूम था तुझे बाद में बहुत बुरा लगेगा। देख, अगर तुझे दिल से पछतावा हो रहा है ना, तो तेरी गलती माफ। तू उस लड़की को जानती है क्या? हाँ, मानव बता रहा था कि नए आए हुए शहर में। सुबह जब मैं मानव के घर गई थी ना, तो प्लांट्स में पानी दे रही थी, बस वही मेरा इंट्रो उसके साथ। मुझे मालूम था, तुझे सब पता है। क्या मालूम होगा? तो उसके बारे में बात करने आया था। और तुझे आइसक्रीम भी? तुम सब काम होने पर ही तुम लोग आते हो। शट अप शिखा, यू आर आवर बेस्ट फ्रेंड शिखा। हमें जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हम तेरे पास ही आते हैं। आई मीन इट यार, हम दोनों किंडरगार्टन स्कूल में भी एक साथ पढ़े हैं। यू आर माय बेस्ट फ्रेंड शिखा।
Remember, you and I are best friends. Friendship that will never. Oops. मैं क्या? मैं हमेशा गलती करती थी और तू हमेशा मुझे डांटा करता था. Remember? तू तब से मेरा ख्याल रखती आ रही. और तेरा टिफिन भी बड़ा मजेदार होता था. और मुझे तेरा टिफिन पसंद था. आइसक्रीम्स, केक्स, पेस्ट्रीज, चिकन रोल्स, वाओ. और तेरे में हलवा, पराठा और चिकी. हम कितने नौटी हुआ करते थे ना. और हमारा एडमिशन भी एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज में हुआ. या सिर्फ ऑफिस ही एक साथ नहीं जा पाएंगे. तू तो सेठ बाहर संभालेगा ना. डोंट वरी, तेरे को वहां मैं प्यून रख लूंगा. हम ऑफिस में भी एक साथ रहेंगे. तूने मेरी दोस्ती को नहीं पहचाना. जा, मैं ऐसी नौकरी पर थूकती हूँ. शिखा, विल यू डू मी अ फेवर? वाओ, चॉकलेट्स मेरे लिए, थैंक यू. मुझे मालूम नहीं था तुझे चॉकलेट अच्छी लगती है. ये तो तू किसी और के लिए लाया है, यही ना? ये तो उसी लड़की के लिए है. उसका नाम क्या बताया था तूने? रिया. रिया के लिए लाए हो ना? हाँ, तूने ही तो कहा था ना मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया. एंड आई जस्ट वांटेड टू से आई एम सॉरी. पर उसका घर तो तुझे मालूम तो है. पता है मालूम है, मैं जब सुबह गई थी ना तो वो बिल्कुल अपसेट नहीं लग रही थी. देख, अगर ये चॉकलेट का बॉक्स तू उसे देगी ना मुझे बड़ी खुशी होगी. ठीक है, अगर इससे तो खुश होता है ना तो मैं दे दूंगी. थैंक्स अ टन, यू माय बेस्ट फ्रेंड शिखा. हार्डली. आप अगर चाहें तो सारी रील फाड़ डालिए, मगर हो सके तो लास्ट फ्रेम बचाकर रखेंगे. काश आप एक फोटोग्राफर होती तो जानती कि कितना खूबसूरत फ्रेम था. आई एम सॉरी, आप फोटोग्राफर तो नहीं. वैसे तभी तो आपने रील नहीं फाड़ी. यू नो व्हाट, दो इट्स अ फोटोग्राफर्स डिलाइट. World is not worth crying for. मैं बैंड्रा में रहता हूँ. फ्रॉड नहीं हूँ. This is my card. वैसे कभी आपने सूर्यास्त के समय, सूरज डूबने के वक्त बीच पर बैठकर मूंगफली खाई है? नहीं ना, मैंने भी नहीं खाई. चलिए आज खाते हैं. आप यहीं रुकिएगा. मम्मी ने अपने हाथों से बना है. बड़े ग्रेट है. तेरे एडमिशन का कल पता चलेगा ना? हाँ, पर दीदी मुझे विश्वास ही नहीं होता. हालांकि मानव कह भी रहा था अगर शेखर अंकल की अश्योरेंस मिल गई तो 100% काम हो जाएगा. लेकिन दी, मुझे तो लगता है अगर नहीं हुआ ना मैं मर जाऊंगी. नहीं पागल, हम तेरी शादी कर देंगे. लड़का मैट्रिक पास, बीए फेल, अल्मोड़ा में दुकान है, 16 वर्षीय बीवी चाहिए, घर के कामकाज में निपुण, सिलाई कढ़ाई में डिप्लोमा, सुंदर सुशील, फलाना फलाना टिकाना टिकाना. प्लीज. लड़का लंगड़ा है लेकिन चल लेगा. और प्लीज बचपन की तरह ये मत कहना कि मैं तो शादी नहीं कर.
करूंगी और मैं तो हमेशा मम्मा के साथ ही रहूंगी। अब ऐसा तो नहीं कहने वाली मैं। शादी तो हम सब करके जाएंगे लेकिन मम्मी का क्या होगा? Don't you worry. हम ढूंढेंगे कोई तरीका जिससे टूटे ना दिल किसी का। राधा ना को से अपने नसीब निकालेंगे हम कोई तरकीब। बनाएंगे हम एक महल जिसमें होगी चहल पहल। इकट्ठे रहेंगे हम सब माँ का दिल जाएगा बहन। काश ऐसा होता। हाँ अगर वो होगा तो देखा जाएगा लेकिन काश एडमिशन हो जाए। दीदी अगर पैसे खिलाने की बात आई तो मम्मी तो मना कर देगी। इससे अच्छा तेरी पढ़ाई बंद करवा देंगी। जब डीन ने अश्योरेंस दी है तो हो जाएगा। खैर रेवती की बुटीक में जो हुआ वो तो कमाल का था। और आज की ताजा खबर क्या है? आज होना क्या था। कहते हैं कि मैं अनुभवी नहीं हूं। मैं बात करते करते कार की चाबी नहीं लाती ना। हर बात पर किसी को टच करके गिगल नहीं करती। इन शॉर्ट मैं वो नाजुक लड़की तो नहीं बन सकती ना जिसके चेहरे पर लिखा होता है कि हेल्प मी। लेकिन चेहरा देखने वाला यूज मी भी तो पढ़ सकता है। कहाँ गई थी? एक कोरियोग्राफर के पास जिसने 3-4 बार स्वीटहार्ट कहने के बाद और 2-3 बार डार्लिंग कहकर मुझे ये बताया कि मेरा कोई नाम नहीं है। रिचा डार्लिंग जब तुम्हारा कोई नाम हो जाए तब मेरे पास आना। अगर मैं सस्ती बन जाती तो शायद काम हो जाता। लड़कियां सस्ती बनती हैं तभी तो लड़के हिम्मत कर पाते हैं। बात क्या है रिया? तू कुछ छुपा रही है। कैफे में जो हुआ उससे परेशान है क्या? उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई दीदी? मुझे बता दे रिया तेरा जी हल्का हो जाएगा। मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। उस लड़के ने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? क्या मैं इतनी नाजुक हूँ कि कोई भी मुझे छू सकता है कुछ भी कर सकता है? कई बार हम लोग शौक से पैरालाइज हो जाते हैं। तू भी शॉक्ड हो गई होगी रिया। क्यों डर लगता है दीदी? क्यों थप्पड़ नहीं मार पाई मैं उसे? भाग चली आई? ऐसा क्या है जो लड़कियों को कमजोर बना देता है उन्हें भागने पर मजबूर कर देता है? अच्छा मुझे रेवती शर्मा बुलाएगी कि नहीं? किस? अगर तुम्हें नौकरी की इतनी जरूरत थी तो उनके डिजाइन में इतनी चेंजेस क्यों की? अरे क्योंकि मैं राधा शौरी की बेटी हूं और सच्ची राय देना मेरी खूबी है। पता ना यार ये वो मुझे बुलाएगी। मुझे ये नौकरी मिलनी चाहिए वरना मेरी इकलौती माँ को 2-2 नौकरी करनी पड़ेगी। दीदी आप माँ के लिए बिल्कुल बेटे की तरह हैं। हाय हाय तुम और इस वक्त यूं ही ऐसे अंदर आओ ना। नहीं चल बाहर बैठ के बातें करते हैं। बाहर चलो ना। अच्छा वैसे बात क्या है? कुछ खास नहीं यूं ही। तो अचानक एक्चुअली क्या है ना कल जो हुआ उसके बाद में हम सबको बहुत बुरा लग रहा है। देखो मैं उस बात को भूल चुकी हूँ और तुम भी भूल जाओ। सिर्फ उस लड़के को मैं कभी नहीं भूलूंगी। राहुल वैसा बुरा नहीं है कई बार वो मदद भी कर चुका है लेकिन थोड़ा अलग है। मैं उसे बचपन से जानती हूँ ना। अगर तुम उसके बारे में कोई सफाई देने आई हो तो कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं मैं तो यूं ही चली आई थी। और राहुल ने भी कहा था ना। लगता है तुम राहुल से काफी इन्फ्लुएंस्ड हो। लेकिन शिखा हम उसके बारे में कोई बात नहीं करें। ओके फाइन हमारा पूरा गैंग है। तुम जब कॉलेज आओगे ना तो देखना कितनी धमाल मस्ती होती है। लिटी है ना सबसे सीनियर है। माय गॉड लेकिन उसे पता नहीं कॉलेज से क्या लगा हुआ है कि हर सब्जेक्ट में मेजर करने की सोची। उसका 3rd सब्जेक्ट में मेजर चल रहा है। व्हाट? यस आई एम टेलिंग यू पॉलिटिक्स में कर चुका है हिस्ट्री में कर चुका है और अब उसका लिटरेचर में मेजर चल रहा है। ओह माय गॉड दैट्स अ लिमिट। यस दैट्स अ लिमिट। सब एक-एक नमूने हैं। फेक को हर समय इश्क होते रहता है। मानव को स्विमिंग का भूत सवार है बट ही इज अ वेरी गुड स्विमर दो। और राहुल शेखा प्लीज राहुल ठीक है कुछ भी करते रहता है। सुनो उसने तुम्हें अपोलोजाइज किया। ओह आई एम फ्लैटर्ड बाय दैट। पर
पता उसने तुम्हारे लिए क्या भेजा? चॉकलेट्स। हिम्मत कुछ ज्यादा ही है उस लड़के में। आखिर वो समझता क्या है अपने आप को? रिया, पर वो सिर्फ सॉरी ही तो कहना चाह रहा है। सॉरी, और वो भी किसी और के हाथों। नवाब साहब ने पैगाम भेजा है, मुझे तो बहुत खुशी होनी चाहिए। रिया, राहुल ने आज तक इतना इनिशिएटिव कभी नहीं लिया। थैंक्स कहो उसे। सब लड़कियां उसमें जान छिड़कती हैं। और अपने राहुल से कह देना मुझे इतने कीमती चॉकलेट्स खाने की आदत नहीं, और ना ही मैं ये आदत डालना चाहती हूँ। ओके? पर तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? उसने सिर्फ सॉरी तो कहा है, कुछ प्रपोज तो नहीं किया। और इससे ज्यादा कीमती चीजें तो वो प्रियंका को दे चुका है। किसको? प्रियंका खन्ना। बहुत खूबसूरत है वो, और राहुल की सबसे अच्छी दोस्त है। चलो यार, तुम दिमाग क्यों खपा रही हो? उसने कैजुअली दिया, तुम भी कैजुअली ले लो प्लीज। मैं जिंदगी में कोई काम कैजुअली नहीं करती। ये गिफ्ट उन्हें मिस प्रियंका खन्ना को देने में काम आएगा। और हाँ, मैंने उन्हें माफ नहीं किया।